बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। फिरोजवाला गुलशन हयात पार्क में जाली आमिल के कहने पर मां ने दो बेटों को फांसी देकर कत्ल कर दिया। DPO फैसल शहजाद की हिदायत पर थाना चोचक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाहौर में तहरीके लबैक पाकिस्तान के सरबरा हाफिज साद हुसैन रजवी गिरफ्तार। हुकूमत के अहकाम पर लियाकतपुर में सस्ते रमजान बाजार का खूबसूरत पिंडाल सजा दिया गया। सांगढ़ पुलिस का तीतरों के बैनुसुबाई जुए पर छापा, 13 मुलजिमान गिरफ्तार, दर्जनों तीतर पिंजरों समेत जब्त। और खानेवाल में तहरीके लबैक पाकिस्तान का धरना जारी। ननकाना साहब में DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले फिरोजवाला से करेंगे, जहां पर जाली अमल के कहने पर मां ने दो बेटों को फांसी देकर कत्ल कर दिया। जान बहक होने वाले बच्चों में 12 साल बिलाल और 8 साल तलहा शामिल। जाली अमल का कहना था कि तुम पर आसेब का साया है, बच्चों की बलि देने पर जिंदा रहोगी। माँ ने दोनों बेटों, एक बेटी को फांसी दी, जिसमें से दो बेटे जान बहक हो गए। बच्चों की चीखो पुकार सुनकर अहले इलाका जमा हो गया। शिफाकत की इंतहा, नजमा मां ने बच्चों को जाली पीर के कहने पर कत्ल कर दिया। उकाड़ा DPO फैसल शहजाद की हिदायत पर थाना चोचक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उकाड़ा में डकैती की नीयत से छुपे हुए 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 7 मोटरसाइकिल्स, 3 पिस्टल्स, गोलियां, कटर और 4 लाख रुपए मालियत का लूटा हुआ सामान बरामद। मुलजिमान में सनी, मुजम्मिल हुसैन, एजाज और जाहिद शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात और रिकवरी की भी उम्मीद है।
और लाहौर में तहरीके लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रजवी गिरफ्तार। हाफिज साद हुसैन रजवी को जनाजा में शिरकत के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया। सरबराह तहरीके लबैक पाकिस्तान ने सियासी और ताजर रहनुमा राना अख्तर की नमाज जनाजा पढ़ाना थी। हाफिज साद हुसैन रजवी को वहादत रोड पर जाते हुए स्कीम और चौक से गिरफ्तार किया गया है। लियाकतपुर से अपडेट करते चले। लियाकतपुर में सस्ते रमजान बाजार का खूबसूरत पंडाल सजा दिया गया। सस्ते रमजान बाजार में सब्जी, फ्रूट, किराना, आटा और गोश्त के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां ओपन मार्केट्स की निस्बत 25% तक डिस्काउंट दी गई है। सस्ते रमजान बाजार में म्यूनसिपल कमेटी, मार्केट कमेटी, रेस्क्यू 1122 और किसी भी नाखुशगवार वाकया से निपटने के लिए पंजाब पुलिस का अमला अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। मार्केट कमेटी की इंतजामिया के अहलकारों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि सस्ते रमजान बाजार में आटे के 10 किलो का बैग 375 और चीनी 65 रुपए फी किलो के साथ दीगर अशिया इंतहाई मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। सस्ते रमजान बाजार में नासर अशिया के रेट को मद्देनजर रखा गया है और सांगढ़ पुलिस का तीसरों के जुए पर छापा, 13 मुलजमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक सांगढ़ पुलिस के SHO मकसूद अहमद रजा ने अपनी टीम के हमरा सांगढ़ वर्कशॉप रोड पर दुबई सिटी हॉल में तीसरों की बोली पर होने वाले बैनुसूबाई जुए पर कामयाब छापा मार कर कार्रवाई की, जहां तीसरों की बोली पर लाखों रुपये का सट्टा खेला जा रहा था, जिसमें सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले जवारी शामिल थे। जवारी मुलजमान को गिरफ्तार करके दर्जनों तीतर पिंजरों समेत जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से जुए पर लगी किसी रकम भी बरामद। गिरफ्तार होने वाले जवारी मुलजमान में सांगढ़ के अलावा सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के जवारी भी धर लिए गए। गिरफ्तार 13 जवारी मुलजमान पर सांगढ़ पुलिस स्टेशन में केस दाखिल कर लिया गया है। और खानेवाल में तहरीके लबैक पाकिस्तान का धरना जारी। नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद, लेकिन मुजाहरीन का सड़क खाली करने से साफ इनकार। पुलिस ने तहरीके लबैक के कुछ कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। और DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ननकाना साहब में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सईद से थाना सदर सांगला चदड़ और हमराही SHO पिस्टल 30 बोर और गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। DPO की तरफ से टीम को शाबाश। DPO ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वाले कानून शिकनी के मर्तकब हैं। नजायज असलाह की नुमाइश हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।